नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में दाऊ वासदेव चंद्राकर की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि दाऊ वासदेव चंद्राकर ने आजीवन किसानों और मजदूरों के हित में काम किया है। वे किसानों और मजदूरों को संगठित करने के साथ उनके उत्थान के लिए सक्रिय रहे। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति को उन्होंने बढ़ावा देने का काम किया है। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में कान्हा शांति वनम में सहज योग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कान्हा शांति वनम में सहज योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि अध्यात्म और योग के साथ ही जीवन में रोजगार और काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजी मल्टीपर्पज है, वो ये नहीं कहते कि दुनिया छोड़ छाड़ के केवल ध्यान करो, वो कहते ध्यान भी करो और काम भी करो। भौतिक और अध्यात्म का समन्वय, पैसा भी चाहिए, रोजी रोटी भी चाहिए, बिजनेस व्यापार भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जीवन की पूर्णता भी चाहिए। मनुष्य को शरीर मन बुद्धि और आत्मा चारों सुख चाहिए। और सचमुच में हार्टफुलनेस, क्योंकि मैं मानता हूं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर के साथ साथ मन भी है। अब दादी ने कहा ध्यान करो, तो कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कई बार मन इधर उधर भटक भी रहा था, और कुछ तो इंतजार कर रहे होंगे कि कब आधा घंटा पूरा हो और मन को भटकने दे। तो शरीर के साथ मन है, मन का सुख चाहिए, मन के साथ बुद्धि है, बुद्धि का सुख भी चाहिए, और बुद्धि के साथ आत्मा भी है, आत्मा का सुख भी चाहिए। शरीर मन बुद्धि आत्मा चार का समुच्चय मनुष्य, और इन चारों सुखों को प्राप्त करने की कला और विज्ञान है हार्टफुलनेस। हार्ट तो फुल है लोगों के प्रति, प्रेम से, करुणा से, दया से, इस प्रेम को बरसाते रहिए पूरे देश में और पूरी दुनिया में, क्योंकि हम तो पूरी दुनिया ही को एक परिवार मानते हैं। भारत हमारा ऐसा देश है जो नहीं कहता कि केवल हमारा भला हो। हम तो बचपन से ये नारे लगाते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इस भाव को पूरे विश्व में फैला के आप सबको कल्याण के पथ पर ले जाएं, ताकि हम अपना परिपूर्ण जीवन जी सकें। और आप मध्य प्रदेश पधारें, मध्य प्रदेश आपका स्वभाव, वैसे तो पूरी दुनिया आपकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार आपके साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में भी, क्योंकि विद्यार्थियों को पढ़ाना तो पढ़ाना भी नए ढंग से पढ़ेगा, उसकी पद्धति भी आपने अलग विकसित की है। मध्य प्रदेश में इन प्रयोगों को हम विद्यालयों में, स्कूलों में भी करेंगे। फिर मैंने दाजी को निवेदन किया था बीच में नशा मुक्ति अभियान के लिए, कई लोग नशे के कारण बर्बाद हो जाते हैं, नशा नाश की जड़ है, तो मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान हम चला रहे हैं। दाजी वहां पधारे थे और पूरा हमारा रामचंद्र मिशन और कार्यकर्ता नशा मुक्ति के अभियान में लगे। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में, नशा मुक्ति के क्षेत्र में, लोगों के जीवन निर्माण के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, क्योंकि मैं रोज पेड़ लगाता हूँ, बिना पेड़ लगाए मेरी दिनचर्या शुरू नहीं होती, पेड़ हैं तो हम हैं, तो उस अभियान में भी आपका आशीर्वाद मिले। एक बार में फिर दाजी आप दुनिया को भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन हार्टफुलनेस के माध्यम से करा रहे, इसलिए आपको हृदय से। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में स्थापित नवीन सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ में सरकार की कामों की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले कल में छत्तीसगढ़ देश का सबसे विकसित राज्य होगा। सिकल
सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है तो उसकी शादी करने में अड़चनें पैदा होगी। लेकिन जैसा कि अभी बाबा साहब ने बताया आपको कि यदि आप कैरियर हैं या आपको डिसीज़ है और यदि उसी प्रकार से कैरियर और डिसीज़ वाले के साथ शादी हो गई तो माता पिता तो के घर से विदत हो जाएगी बच्ची या उसके लड़के को बहू मिल जाएगी, लेकिन तकलीफ आने वाली पीढ़ी को और उस पूरे परिवार को जिंदगी भर रहेगी। क्योंकि जो बच्चा पैदा होगा वो हो सकता है वो कैरियर हो सकता है उसको डिसीज हो, और जिस प्रकार से अभी हमने बेमेतरा में और सूरजपुर में अभी मरीजों से बात की, यहाँ कार्यालय में भी दो बच्चे आए हैं उनसे बात की, तो इलाज के मामले में तो ठीक है, इलाज हो रहा है, उसकी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन थोड़ी सी सुविधा थोड़ी सी जागरूकता से हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। और इसलिए जैसे शादी के लिए कुंडली मिलान की बात है बहुत विस्तार से महाराज साहब ने बताया, जैसे कुंडली मिलाते हैं गुण मिलाते हैं तो उसी प्रकार से इसका भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो शादी ब्याह के साथ बच्चों को ही माता पिता के साथ बच्चों को ट्रांसफ़र होता है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है इसमें सबसे ज़्यादा। वहीं मध्य प्रदेश के बेटवा नगर के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सख्त तीव्र और एक्शन मूड वाली बात पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, हर शासकीय योजनाओं में बीजेपी नेताओं और अधिकारियों द्वारा मिलकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। देपालपुर विधानसभा की बात करें तो यहां पर भी अधिकारियों और बीजेपी नेताओं ने देपालपुर विधानसभा को भ्रष्टाचार का गढ़ बना लिया है। क्षेत्र की जनता शिक्षा स्वास्थ्य और सड़क को लेकर लगातार परेशान रहती है। सीएम साहब के मुख्यमंत्री जी के बयान दिनों दिन आ रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, सड़क को लेकर, जीरो टॉलरेंस को लेकर भ्रष्टाचार नहीं हो रहे हैं, इसकी आप जांच कर ले। सिर्फ हवा में बात करके कोई काम नहीं चलता। हमारे देपाल विधानसभा की हालत देख लीजिए, बेटमा से सागर कुटी का रोड 70 लाख रुपए का जो एक बारिश नहीं झेल पाया, बेटमा नगर का रोड इसका भी कोई माए बाप नहीं, सिर्फ सीएम साहब घोषणा पे घोषणा करे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार देपालपुर जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक भ्रष्टाचार हो रहा है। बेटमा नगर पंचायत पिछले परिषद का भ्रष्टाचार देख लीजिए, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं सीएम साहब को किस आधार पर कर रहे हैं। सीएम साहब के खुद के बयान है कि मैं हर जगह में एक्शन ले सकता, उस विभाग के अधिकारी भी जांच करें और नीचे के कर्मचारियों पर एक्शन लेने की कृपा एक्शन ले। इसके बाद चोरी को लेकर हमारे विधायक जी ने, विशाल पटेल जी ने आईजी से लेकर डीआईजी साहब तक ज्ञापन दिए, उसका भी आज तक कोई असर नहीं हुआ। जो बहुत सालों से अधिकारी देपालपुर तहसील में अपने जगह बैठे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं लगाव बीजेपी के नेताओं से होने के बावजूद उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष कृष्णा राठी समिति कार्यालय में समिति कर्मचारियों की मैराथन बैठक ली। बैठक में 1 नवंबर से किसानों के समर्थन मूल्य पर किए जाने वाले धान खरीदी की तैयारी का बिंदुवार जानकारी ली और कर्मचारियों को सुचारू धान खरीदी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही समिति अध्यक्ष ने कहा कि धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण कार्य है जो किसानों से जुड़ा है, खरीदी में किसानों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए, उन्होंने कोई परेशानी नहीं किया जाए। वहीं खरीदी केंद्र में पेयजल, छाएदार, बैठक समेत अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के दिशा निर्देश दिए। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के शामगढ़ में मुखबिर की सूचना पर शामगढ़ पुलिस द्वारा हसपुरा में अवैध रूप से डोंडा चूरा 32 किलो ले जाने की सूचना पुलिस को मिली।
पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आरोपी कालू सिंह और सोहन शर्मा दोनों को अवैध मादक पदार्थ डोंडा चूरा 32 किलो ले जाते हुए पकड़ लिया, जिसकी कीमत थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति द्वारा बताया गया है कि 32 किलो डोंडा चूरा का अवैध, जिसकी कीमत लगभग 64,000 रुपये है और एक मोटरसाइकिल भी डोंडा चूरा के साथ जब्त की गई है। दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से भी पूछताछ अभी जारी है। ये एक कल कार्रवाई की गई है। मुख्य द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से मादक पदार्थ डोंडा चूरा लेके जा रहे हैं, जिसकी सूचना पर कल कार्रवाई की गई थी, जिसमें दो व्यक्ति कालू सिंह सोंदिया और शिवम शर्मा, इनको अवैध मादक पदार्थ डोंडा चूरा 32 किलो के साथ पकड़ा गया है, जिस पर अपराध क्रमांक 440/22 कायम करके विवेचना में लिया गया है। सर, इसमें कहाँ ले जाना पड़ेगा? चूँकि प्रथम दृष्टया अभी उसमें एक जो आरोपी है जो शुभम या यूपी का रहने वाला है, तो संभवतः यूपी या दिल्ली इसको ले जाना बताया है, और अभी उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें करीब जो उसमें मादक पदार्थ है वो जब्त किया गया 32 किलो, तो उसकी कीमत करीब 64,000 रुपए के आसपास है। और वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा को सहेजने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने से उत्साहित होकर जिला मुख्यालय बालोद के ग्राम सिवनी में बरसों पुरानी परंपरा का पालन किया जा रहा है। देव मड़ई का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास गांव के देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। दर्शनार्थियों का कहना है कि गांव में मड़ई मेला खुशियों का त्यौहार है। गांव के लोग आपसी भाईचारे के बीच इस मेले का आयोजन करते हैं। इस तरह के आयोजन से लोगों में एकजुटता बनती रहती है। मड़ई त्यौहार स्थानीय समुदायों के बीच बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। सिवनी का मेला, क्योंकि दिवाली के बाद जो भी अधिकतर गिनते हुए 5-7 गांव में जो मेले का आयोजन होता है वो देव मेला रहता है। वैसे तो बाकी जगह भी मंडई और मेले का आयोजन होता है, वो फसल कटने के बाद होता है। तो इस मेले का भी अलग ही महत्व है। लगभग ग्राम के सभी देवी देवता ढी डोंगर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सब इसमें आह्वान करके इनको यहाँ मड़ई में आमंत्रित किया जाता है। और यहाँ का मड़ई मैं पहली बार देखा हूँ, बड़ा ही बहुत अच्छी भीड़ है। कोरोना के बाद का ये मेला जो अच्छे ढंग से चल रहा है, बहुत ही आनंद हुआ इस मेले में आके और भीड़ को देखकर। कोरोना से उभरने के पश्चात ये पहली मंडई है मेरी और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हमारे गांव में पुरातन संस्कृति से यह चला आ रहा है कि हमारे पुरखों के द्वारा दीपावली के बाद जैसे ही शनिवार आता है, और उस शनिवार को हमारे यहाँ देव मड़ई के रूप में मनाया जाता है। और देव मड़ई में हमारे अंचल के विभिन्न ग्रामों से दर्शनार्थी देवी दर्शन करने पहुँचते हैं और अपने मनोकामना मांगते हैं। और मड़ई का जो अवसर होता है उसमें मेहमान और जितने भी अपने पारिवारिक मेहमान होते हैं वो भी आकर इस मंडई मेला में शामिल होकर, ऐसा लगता है कि साल में हम सब एकत्रित होते हैं। तो दीपावली के बाद ये त्यौहार हमको बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा लगता है, एक साथ सबको मिलकर और ये मंडई का जो आनंद देते हैं। वहीं मध्य प्रदेश का ग्वालियर अगले 5 दिन के लिए खास रहने वाला है। दरअसल यहाँ शनिवार की शाम उद्धव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। आयोजन 5 दिनों तक चलेगा। खास बात यह है कि इसमें भारत समेत 5 देशों से 700 से ज्यादा कलाकार प्रस्तुति देंगे। बता दें कि शनिवार को ग्वालियर के फूलबाग मैदान में डांस फेस्टिवल का कार्निवाल के साथ रंगारंग आगाज हुआ। इस दौरान कलाकारों के साथ मार्च निकाला गया। शहर के अनेक चौराहों पर कलाकारों ने अपने अपने देश की कला पेश की। सड़कों पर लोग खड़े होकर उनकी कला को निहारते रहे। इस अंतर्राष्ट्रीय डांस कार्निवल में भारत सहित ताइवान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और श्रीलंका की 30 टीमें शामिल हैं। हमारे दुनिया के 4 बड़े देश, जिसमें एक ताइवान, एक किर्गिस्तान, एक उज्बेकिस्तान और एक श्रीलंका आया है। ये 4 महत्वपूर्ण देश हैं जिनकी टीमें यहाँ आई हैं और परफॉर्मेंस कर रही हैं। इसके अलावा पूरे देश की 26 टीमें आई हैं, जो लगातार
आज ये कार्निवाल आपने देखा 2 किलोमीटर लंबा चल रहा है। इस कार्निवाल में उन राजदूतों ने भी सड़क पर साथ दिया है और साथ में चले हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे मध्य प्रदेश और ग्वालियर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इतनी महत्वपूर्ण टीमें, इतने महत्वपूर्ण देश हमारे देश में आके जो सांस्कृतिक एक्सचेंज कर रहे हैं और इस ग्वालियर की ब्रांडिंग हो रही है, मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग हो रही है, हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, इससे हमारे बच्चों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मिलेगा। ये उद्भव ग्रीन मोड उत्सव के नाम से 17वां साल है, वैसे हमारी उद्भव संस्था को 25 साल हो गए हैं और ये सिंधिया कन्या विद्यालय में अभी परफॉर्मेंस करेंगे और ये लगातार चलेगा 5 दिन तक, ये 2 तारीख को समाप्त होगा, इसका समापन होगा। इससे संबंध सुधरेंगे, संबंध अच्छे बनेंगे, संबंध मजबूत होंगे और हमारे देश में और उनके देशों के बीच में इससे कई सारे समझौते, व्यापारिक समझौते, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे समझौते हो सकते हैं जिसका लाभ हमारे देश को हमारे। वहीं मध्य प्रदेश के मंडला के जिला योजना सभागार में डिप्टी कलेक्टर मीना मसराम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संघ ने अपने विभिन्न मुद्दों को डिप्टी कलेक्टर के सामने रखा जिसमें अहम मुद्दे जो एसटी के नाम से जिले में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी के लाभ ले रहे हैं, जिले में जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं जिससे अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का हनन हो रहा है और अनुसूचित जनजाति के अधिकारी कर्मचारी के हित में अनेकों मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के संयुक्त परामर्शदात्री के जिला योजना भवन में बैठक हुई और जिसमें प्रमुखतया हमारे अपर कलेक्टर महोदय उपस्थित थी और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं की अध्यक्षता में पूरी समिति की चर्चा हुई। सभी कर्मचारियों की, सभी विभागों के कर्मचारियों की समस्याओं पर बातें हुई। अजाक्स ने विशेषतः, चूँकि मैं अजाक्स का प्रेसिडेंट हूँ, तो यहाँ जिले में जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र एसटीएससी का बनवा करके कुछ अधिकारी बैठे हैं, जिले के पदस्थापना अभी तक के साल भर से हुई पदस्थापना, उसके संबंध में बात हुई और सेवा पुस्तिकाओं के संबंध में बात हुई कि दूसरी प्रति सेवा पुस्तिकाएं नहीं दी जाती हैं, जीपीएफ की, पासबुक की नहीं दी जाती हैं और इस प्रकार से कर्मचारियों की विभिन्न समस्याएँ, जैसे कर्मचारी जब एक्सपायर हो जाता है या सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसकी जो राशि होती है जीपीएफ का है, ग्रेजुएटी का है, वो समय पर भुगतान नहीं किया जाता। वहीं मध्य प्रदेश के गुना जिले में 15 वर्षीय छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है, गैंगरेप की आशंका भी जताई जा रही है। नाबालिग स्कूल के लिए घर से निकली थी, देर रात उसे एक सोने घर में बेहोश हालत में देखा गया, पुलिस जांच कर रही है। उधर खबर मिलते ही क्षेत्रवासी आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतर आए। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर उन पर कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग कर धरना दिया। बच्ची के बयान के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों पर केस दर्ज कर 3 को गिरफ्तार कर लिया है। अक्टूबर की रात को उक्त घटना के संबंध में अपहरण की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीकृत किया गया था। उस प्रकरण की विवेचना के दौरान में और पीड़िता के कथन के आधार पर उसमें अन्य धाराओं का एफ आई आर कर कल 5 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण की विवेचना जारी है। सर, ये सामूहिक दुष्कर्म का मामला? जी हाँ, कल जो उस विक्टिम के जो बयान हुए थे उन बयानों के आधार पर ये बात सामने आई थी कि उसमें जो नामजद आरोपी हैं उनके द्वारा इस प्रकार की घटना कार्य की गई है। इसी आधार पर उसमें 376, 376D, 376-2N और 3-4 अक्सवेट धाराओं का या सकते हैं। सर, इसमें आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी? इसमें प्रशासन के द्वारा इस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है।
वहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में FAP राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य उद्योग मंत्री सोम प्रकाश विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी और पंजाब को लेकर भी क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देश भारतवर्ष का भविष्य बहुत उजला है, उस तो बाद मैं पंजाब की गल करनी है। असी सारे पंजाब च रहने वाले हैं, मैं पंजाब तो चुनिया हुआ, तुसी पंजाब च रहने हो, पंजाब की हवा च असी रहने हाँ। पंजाब किधर जा रहा है? सन 2000 विच असी उस तो पहला भी पर कैपिटा इनकम पंजाब की नंबर एक ते होंदी सी। अज पंजाब 16वें 17वें नाम नंबर ते स्टेट ग्रोथ रेट सारे सिर्फ मणिपुर एक होर स्टेट सब तो पिछे, बाकी सारे जी डिवेलपमेंट तेजी हो रही है। पंजाब कोई इन्वेस्ट करने लिए तैयार नहीं, पंजाब कोई कारखाना लाने लिए तैयार नहीं। पंजाब आप किस पास लेके जाना ऐसी फैसला करना। अज की जनरेशन ने जोड़े असं सारे इतने बैठे हैं मुख लोग हो, पंजाब चंगा बना रंगला पंजाब बना के पंजाब बिखरदा पंजाब बना ऐसी फैसला करना। बहुत कष्ट होंगे तकलीफ होती जो असं सेंटर च बैठ के फिक्र पढ़ते हैं पंजाब कितने जा रहा है, और ये किसी ने कुछ करनी है ना, अपनी किस्मत के घाड़े आप बनना पैना। पंजाब के उत्ते 3 लाख करोड़ का कर्जा है, 10-12 हज़ार करोड़ का होर लै गया। सवा श्रीलंका बिखर गया सी, बिखरिया होया उत्ते समझ नहीं आती भी करिए कि उत्ते राष्ट्रपति भाजी कित होर जा बैठा सी। कहते इस तरह पंजाब च ना हो, पंजाब नूं सुधारन की लोड़ है। पार्टी लाइन तो उपर उठ के असीं पंजाबी दे तौर ते सोचिए, पंजाब ने देश नूं कि पंजाब मोढ़ी राष्ट्र होवे जिथे गुरुआं ने एडियां कुर्बानियां कीतियां होण, जिथे देश की आजादी सब तो वध हिस्सा जिस सूबे ने पाया होवे। इत्थे कोई इंडस्ट्री लाने वाला डरे कहे हुए सी पंजाब नहीं जाना, होर जिते मर्जी इंडस्ट्री लवा लो दिता। कोई ना कोई कारण तो रहे होंगे, मैं किसी की निंदा नहीं करता, किसी की गल नहीं करता। असी पंजाब का माहौल जब तक शांत नहीं करांगे, जब तक पंजाब बहुत शांत हो के लोगों की अट्रैक्शन नहीं बनेगा। फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही, बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ENB News। नमस्कार।